नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जैमिनी मिथुन राशि वालों, आपको इंतज़ार करना पड़ा, किसी कारण इसमें वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन अभी डाल रही हूँ क्योंकि एक हफ्ता बाकी बचा है। उसके बाद मैं अगले महीने का ही सीधे वीडियो डालूंगी आपके लिए। तो अभी मैं एक हफ्ते की जो आपकी रीडिंग है वो यहाँ पर बता रही हूँ। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस समय जो हमारे मिथुन राशि वालों हैं, 24 से 31 मई के बीच की रीडिंग मैं करूँगी यहाँ पर। इस समय में आप अपनी ओपिनियन जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग तरीके से पूरी एनर्जी के साथ सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी अपने पार्टनर से या किसी कोई भी लव्ड वन है, आपकी फैमिली में है या लव रिलेशनशिप में है, उससे आप यहाँ पर आर्गुमेंट करते हुए, चाहे वो कर रहे हैं चाहे आप कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाद विवाद कुछ समस्याएं बीच में मुझे दिखाई दे रही हैं। यह हो सकता है कि परिवार में किसी से बहसबाजी हो रही हो आपकी, और आपको लग रहा है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही एकदम सही है। आप उनकी सुन रहे हैं लेकिन फिर भी दोनों के विचार इन दिनों में मैच नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कई बार आप अंदर से मन से बहुत दुखी हो जा रहे हैं। आपके बीच उनके बीच कुछ बिगड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। इस समय में आप दोनों ही एक दूसरे में काफ़ी कमियां निकाल रहे हैं। आप जो है उनके ऊपर कुछ ब्लेम कर रहे हैं, वो आप पर ब्लेम कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लेम गेम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों में आप दोनों ही एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, ईगो और गुस्से से ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें, आप खुद को थोड़ा संभालिए। अगर ऐसा ही होगा तो कभी कभी देखिए क्या होता है कि रिश्ते में कभी जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती हैं तो थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए, शांति से वक्त देकर बातों को वहीं पर छोड़ देना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि वहीं कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए, तभी आपकी स्थिति सुधरेगी। क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं ना तो वो कुछ सुन रहे हैं ना वो समझ रहे हैं, इन दिनों में उन्हें तो अपनी गलती का ही एहसास नहीं हो रहा है, वो काफ़ी अकड़ में दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय मैं यही कहूँगी कि स्पेस दे दीजिए। आपके परिवार को अपनी गलती या कमी समझ में ही नहीं आ रही है, चाहे वो परिवार में कोई हो चाहे पार्टनर हो, वो अपनी गलतियों को समझ ही नहीं रहे हैं, बस जिद किए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो किसी बात के लिए मानने को तैयार नहीं है और इसी कारण से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है। किसी भी रिश्ते में अगर ऐसा चल रहा है, चाहे पार्टनर हो या परिवार हो, कोई लव्ड वन हो, उनको आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, स्पेस दे दीजिए। लेकिन इस रिश्ते से आप गिव अप नहीं करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि सब इतना बुरा हो गया कि मुझे अलग हट जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आप गिव अप नहीं कीजिए। आप अपना यहाँ पर बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और आप देते भी रहे हैं, आप ऐसी कोशिश करेंगे भी, आने वाले टाइम में यह सब चीज़ें ठीक हो जाने वाली हैं। क्योंकि आप इतने जल्दी गिव अप मत कीजिए और करना भी नहीं चाहिए, आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो बस, अगर हालात ख़राब हैं तो थोड़ा शांत बैठ जाइए। इस समय में आपको फैमिली सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कुछ ज़्यादा ही अकेलापन फील कर रहे हैं कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, खुद को आप बहुत कटा कटा सा फील कर रहे हैं। आपके कैरियर में लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ आप मिलके अब आपको मिलना जुलना पसंद नहीं आ रहा है, आप कंप्रोमाइज़ करके अब कोई भी कहीं पर भी काम नहीं करना चाहते। यहाँ पर आप लोगों से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका लव का मामला हो चाहे कैरियर का मामला हो, दोनों में ही आप काफ़ी रिएक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और आप अपने टैलेंट को समझते हैं, पहले से अलग जो कुछ आप काम कर रहे थे उससे अलग कुछ नया अकेले अपने दम पर करना चाहते हैं, कुछ खड़ा करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, जिससे कि दुनिया में आपका नाम हो, लोग आपको जाने और पहचाने। चाहे आपकी कोई क्रिएटिविटी हो, चाहे आपका जॉब हो, आपकी कोई बिजनेस हो, उसमें आप इस तरह के पहलू लाना चाहते हैं जिससे आपकी पहचान बन सके। आप कहीं भी आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना भी नहीं चाहते, जैसा कि मैंने कहा, खुद पर और अपने आप पर ही सिर्फ भरोसा कर रहे हैं। और इन दिनों में थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपको मिल रही है, और यहाँ पर डिवाइन से भी आप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। हो सकता है कि आप मेडिटेशन ध्यान में भी अपना मन लगाएं, आप शांति चाहते हैं, खुद के अंदर
आप में क्या क्षमताएं हैं, क्या ग्रोथ कर सकते हैं, आपका ज़्यादा ध्यान उन्हीं बातों पर लगा रहेगा। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे और फोकस इसी पर होगा कि आपकी सोच इन दिनों में काफ़ी थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी डीप में जाने वाला है। यहाँ पर एंजल भी आपके लिए कहते हैं या मैसेज देते हैं कि आपको यहाँ पर इस समय थोड़ा स्पेस देना चाहिए, पेशेंस के साथ रहना चाहिए और बहुत चिंता ना करते हुए कैरियर की जिस बात की आपको चिंता है, पैसों को लेकर कुछ समस्याएं हैं, तो यहाँ पर पेशेंस रखिए। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो तैयारियाँ कर रहे हैं, अपने टैलेंट को समझ रहे हैं, उस पर आगे बढ़िए। एंजल कहते हैं कि यू आर राइट, आप एक सही रास्ते पर जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं कैरियर के मामले में। लेकिन जहाँ पर रिलेशनशिप और प्यार मोहब्बत की बातें हैं, वहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। वहाँ पर अभी आपको उस रिश्ते को बचाकर चलना होगा, आगे जाकर सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। तो ये था 24 मई से 31 मई तक का यहाँ पर साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि वालों का। जल्दी मैं अगले महीने का राशिफल भी डालूंगी। आपको कैसा लगा, आपसे मैच हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, यहाँ हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी एक साथ ही होती है, किसी से मैच करेगा किसी से मैच नहीं करेगा, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मुझसे करवा सकते हैं। जहाँ पर आपको कोई समस्याएँ हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वीडियो में वो चीज़ें नहीं हैं, तो अगर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है आप मुझसे टैरोट रीडिंग भी करवा सकते हैं, आप मुझसे कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं कि आपकी पूरी लाइफ में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है या क्या है आपकी किस्मत में, इस रिश्ते में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहिए, आपको कुछ भी जानकारियां लेनी है तो आप मेरे इस नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasinghact80@gmail.com। आप इस पर संपर्क करिए। आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।